58,200 परिवार अलग अलग विभागों ने उनको ले लिया है, देंगे बैंक से सहायता लेके देंगे, खुद अपनी सब्सिडी है वो देंगे, बाकी सब कुछ करेंगे, और शेष परिवार जो काउंसलिंग के लिए हमारी जो टीमें हैं, काउंसलिंग टीमें जिलों की, उनके प्रकार की स्कीम बैंक यानी आप डिपार्टमेंट की स्कीमों में, और इसके अलावा क्या काम कर सकते हैं उनसे। इसमें आउटसोर्सिंग की बात मैंने नहीं पूछी थी, हो सकता है कुछ लोग उसमें आउटसोर्सिंग की इच्छा व्यक्त करें तो आउटसोर्सिंग में प्राइवेट नौकरी में भी जा सकते हैं, सरकारी में भी जा सकते हैं, जैसी आवश्यकता होगी वैसा करेंगे। और इसके अंदर से कुल जो स्वीकार कर लिए गए हैं इन 58,000 में से 27,600 परिवार तो ऐसे हैं उनको जो सहायता देनी है वो दी जा चुकी है या अब वो बैंकों के माध्यम से बांटी जा रही है। लेकिन इस क्रम को हमने कहा कि जनवरी के वैसे तो 7 तारीख तक, आज तक उन्होंने करना था और आज के बाद दूसरा चरण हमने उसका अंत्योदय मेले का लगाना था, लेकिन केवल कोविड के कारण से किया है। अब जैसे ही कोविड की स्थिति ठीक होती है सेकंड फेज इसी का, उसमें जो पिछले परिवार रह गए वो भी तक एक और परिवार आएंगे उनको निश्चित रूप से कोविड के खत्म होने पर हम सोचते हैं 31 मार्च से पहले पहले इसको हम पूरा करें, क्योंकि हमारा टारगेट 1,00,000 परिवारों को सहायता देने का 31 मार्च तक का है। अगर ये कोविड बाधा नहीं बनता